नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लैपटॉप जब आप यूज़ करते हैं हमेशा टचपैड का इस्तेमाल करना पड़ता है, माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो काम करने में देरी होती है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टकट मालूम पड़ जाए तो आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो आज वीडियो के अंदर लैपटॉप के अंदर कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, जिसको नोट कर लीजिए और आपको लैपटॉप यूज़ करने में कुछ सहूलियत होगी। दोस्तों जानना चाहते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, और एचपी कंपनी का लैपटॉप है और उस लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 11 लोडेड है और बहुत सारे फीचर जो है विंडोज 11 में आ चुका है उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, अक्सर आपको जो है लैपटॉप यूज़ करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना पड़ता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना पड़ता है, तो फिर आप जाएंगे क्लिक करते हैं फिर खोल पाते हैं। लेकिन आपको अगर शॉर्टकट की मालूम पड़ जाए कितना खोल सकते हैं, ये शॉर्टकट क्या की है, हर लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको देखिए आजकल देर मिलेगा विंडो की मिल जाएगा, देख रहे हो ना विंडो की, ये इसको बोलते हैं विंडो की कहते हैं। और विंडो की के साथ में इसको दबाए रखेंगे और इसके बाद में आर प्रेस कर दीजिए। आप ये देखिए आर प्रेस कर दीजिए, जब प्रेस करेंगे एक खुल के आ जाएगा विंडो, खुल के आ जाएगा छोटा सा, उसके फिर लिखिए मतलब एक्सेल खोलना है, EXCEL लिख देंगे। देखिए सिंपल तरीके से ये आपका जो एक्सेल है वो खुल गया आपका, ठीक है। अगर इसको बंद करना आपके पास, देखिए एक बटन दिया रहता है ऑल्ट है, दबाए रखिए इसको और उसके साथ में आप F4 को प्रेस कर दीजिए, तो देखिए ये बंद हो गया। ये कितना इजी है ना, देखिए इस तरीके से आप इसका एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप में कुछ की काम नहीं करता है, तो आपको चाहिए कि ऐसा कीबोर्ड जो कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बन जाए जिसके माध्यम से देख करके आप कुछ काम कर सके। देखिए एक तरीका होता है, ये देखिए इधर आइए, देखा विंडो की दबाए रखिए, आर दबाए रखिए और होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड OSK। अब यहाँ लिखिए OSK, लिखेंगे ऐसे OSK लिखेंगे और उसके बाद एंटर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये शॉर्टकट विंडो कीबोर्ड आ गया। उसको लेकर के मान लीजिए किसी लैपटॉप के अंदर जो है कोई बटन यू नहीं काम कर रहा हो, जी नहीं काम कर रहा हो, कैसे काम करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके जो है आप काम कर सकते हैं। समझ इस बात को, देखिए कितना सलीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको बंद करना है तो ऑल्ट के साथ F4 प्रेस कर दीजिए, तो ये बंद हो जाए, लैपटॉप बंद हो सकता है, या तो कोने इसको बंद कर दीजिए आप, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीखेंगे तो सबसे पहले चीज़ सिखाया क्या जाता है, नोटपैड सिखाया जाता है, पेंट सिखाया जाता है। तो अगर आप एकदम नए हैं तो आपको आएगा नहीं, तो आपको पेंट में काम करना है। पेंट कैसे करेंगे, देखिए इधर आइए दिखाता हूँ मैं, फिर विंडो की प्रेस करिए, उसके बाद आर प्रेस कर दीजिए, फिर यहाँ लिखिए PAINT, पेंट लिखने से अगर आ जाता है ठीक है, वरना MS पेंट लिखिएगा। देखिए पेंट लिखा नहीं आया, ये पेंट लिखने से नहीं आया, क्या करना पड़ेगा हमको, विंडो की प्रेस किया हमने, यहाँ लिखेंगे PAINT MS पेंट लिखेंगे, फिर एंटर कर देंगे। तो देखिए जो पेंट का हमारा जो है सॉफ्टवेयर है ना वो आ चुका है। अब इसमें हमको घर बनाना है, हमको जो भी काम करना है इस तरीके से हम इसमें घोस सकते हैं, देखिए इस टचपैड के माध्यम से, देख रहे हैं ये। तो पहला स्टेप ये है, अगर आपको इसके ऊपर हाथ साफ करना है टचपैड के ऊपर, तो आपको जो है पेंट पे काम करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसका देखिए ऑल्ट दबाए रखिए, F4 प्रेस कर दीजिए, पूछा डू यू वांट टू सेव, मतलब हमने जो ये पेंटिंग बना रखा है इसको सेव करना चाहते हैं, तो नहीं करना हमको, हम तो इस पर क्लिक करके हम डोंट सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। जो भी चीज़ खोलना है, फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, यूज़र नेम क्रिएट करना है आपको, कभी किसी फाइल को अनइंस्टॉल करना है, माउस का सेटिंग करना, सारी चीज़ें, तो इसमें होता है कंट्रोल पैनल, आपको लैपटॉप मिल जाए कंट्रोल पैनल के अंदर जाके बहुत सारी सिक्योरिटी चीज़ कर सकते हैं। तो उसके क्या करना पड़ेगा, देखिए या फिर विंडो की प्रेस करिए, फिर आर प्रेस करिए, कुछ मत लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए CTRL कंट्रोल लिखेंगे, इंटर मार दीजिए, उसके देखिए कंट्रोल पैनल खुल के आ गया। ये कितना आसान है ना, देख रहे हैं एकदम पूरा, इस तरीके से आप देखिए कोने से फिर इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, तो कंट्रोल पैनल खुल गया, एक्सेल खुल गया, वर्ड खुलना है तो आप ऐसे वर्ड भी लिख सकते हैं, जो चीज़ खोलना है आपको यहाँ से करके एक उसके बता रखा था। मान लो आपको वाईफाई का पासवर्ड चेक करना है कि आपके लैपटॉप ये इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका ये लैपटॉप, मतलब अब मेरे मोबाइल में नेट चलाना है, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, अब मुझे पता करना है कि रियली में पासवर्ड क्या है वाईफाई का, तो देखिए शॉर्टकट की है, विंडो की प्रेस किएंगे, आर दबाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे NCPA, लिखा हमने .CPL, ये लिख दिया हमने, उसके बाद जो है यहाँ पे ओके कर दिया, क्लिक करेंगे तो देखिए खुल के आ गया, ये एक विंडो खुल के आएगा, यह बता रहा है वाईफाई कनेक्टेड है, जोगेंद्र एयरटेल 5G कनेक्टेड है, ये देख रहा था ये कनेक्टेड है, क्लिक करिए वायरलेस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करिए सिक्योरिटी भी जाइए और यहाँ पे जा करके आप पासवर्ड चेक कर सकते हैं। कितना तरीका है ये, समझ रहे ना, तो कोई चीज़ है तो आप
इन शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिए और लैपटॉप को चलाने में आपको आसानी होगी। बहुत सारे लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो सबका अलग शॉर्टकट की होता है। जैसे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल देखना ना, ये कंट्रोल दिए, देखिए आपको अगर नया आदमी है तो इसमें देखिए कंट्रोल बटन दिया हुआ है, देखा ना, कंट्रोल बटन है, ये शिफ्ट बटन है, ये कैप्स लॉक बटन दिया हुआ है, ये टैब बटन है, सब इंपॉर्टेंट की है ये। मान लीजिए छोटा बड़ा लेटर आपको लिखना है तो कैप्स लॉक के माध्यम से कर सकते हैं, कैप्स लॉक प्रेस करेंगे, ए दबाएंगे, बस जल जाएगा तो ये बड़ा लेटर लिखाएगा, कर देंगे तो छोटा लेटर लिखाएगा। शिफ्ट के साथ में अगर हम किसी को प्रेस करेंगे तो ये दो कैरेक्टर लिखा हुआ, एट द रेट और टू लिखा हुआ, शिफ्ट दबा प्रेस करेंगे तो एट द रेट दिखाएगा, नॉर्मल टू प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में कंट्रोल सी प्रेस कर कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, मतलब बहुत सारा शॉर्टकट की एकदम है। अगर आप बोलेंगे कि लैपटॉप में शॉर्टकट की का एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना दीजिए, मैं प्रयास करूंगा आपको बनाकर दिखा दूं और आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए मेरा प्रयास ये रहता है ना कि बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, वो लोग जो है कंप्यूटर लैपटॉप सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में जा नहीं पाएंगे, पैसा नहीं उनके पास है, लेकिन हम लोग के वीडियो देख करके यूट्यूब के माध्यम से वो धीरे सीखते रहते हैं। मेरा एक वीडियो वायरल है कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारे लोग कंप्यूटर चलाना मेरे माध्यम से सीखे होंगे, लैपटॉप के चलाते हैं वो सीखे होंगे। तो एक शॉर्टकट वाला वीडियो मैंने बना दिया है ये बता के, वीडियो पूरा देखे होंगे पक्का आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा और ये लाइफ में आपको पक्का काम आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी टेक्निकल चीज देखना चाहते हैं, उस वीडियो के माध्यम उनकी कुछ हेल्प हो सके। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।